देखिए दोस्तों, हमारा अभी स्टाफ लोग नेट को उठा रहे हैं बोट में, और कुछ इस प्रकार से हम लोग नेट को उठाते हैं अपना बोट में दोस्तों, और देखते हैं इस बार हमारा जाल में कितना मछली आते हैं। देखो, एक दो तीन। देखिए दोस्तों, अभी पैक खोल दिया गया, अभी उठाने से जो मछली है नीचे गिर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है ओडिशा सी फिशिंग चैनल पर और एक नया फिशिंग ब्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले आप सब कैसे हैं, उम्मीद कि आप सब अच्छा स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का छः, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं अभी फिशिंग पर हूँ, और आप सभी को पहले मैं बता दूँ कि मैं डेली वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बोट में बहुत सारा काम होता है, इसके वजह से मैं डेली वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। इसीलिए एक दिन छोड़ के एक दिन रात 8 बजे हमारा वीडियो दोस्तों आएगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना उससे, और लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कुछ नया टाइप का मछली दिखाने का कोशिश करता हूँ आप सबको, तो आप लोग सपोर्ट करना। और फ्रेंड्स, अभी हमारा बोट अपना नेट को खींचते हुए किस प्रकार जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए इस प्रकार जा रहा है, और यहाँ पे देखिए रोप चला गया पानी में, क्योंकि हमारा जाल अभी पड़ा हुआ है पानी में। तो दोस्तों अभी करीब 3-4 घंटा बाद हम लोग वापस नेट खींचेंगे दोस्तों, और अभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तुषार गिर रहा है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा टाइप का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम के भाई आज का एक शानदार फिशिंग ब्लॉग। और दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, और हमारा वीडियो को आप नया करके देख रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना, और पुराना भी जो देख रहा है वो भी लाइक करना, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों, और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, और आप लोगों का बिना सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो आप सब देख सकते हैं हमारा बोट अभी चल रहा है आगे, और ये देखिए दोस्तों हमारा साइड में फिशिंग करने वाला बोट किस प्रकार अपना नेट को खींचते हुए आगे जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग साथ में करीब 12-13 बोट फिशिंग करते हैं दोस्तों, और अभी हमारा बोट मतलब हमारा इस बार छोटा जाल डाले हैं, तो छोटा मछली आएगा, तो थोड़ा छोटा जाल डालने से थोड़ा कम RPM में बोट को भगाते हैं आगे, तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो में चल रहा है दोस्तों। तो अभी हमारा अभी जो मछली रात में आया था उसको अभी स्टोर में आइसिंग कर दिए हैं, तो अभी चलिए चलते हैं देखते हैं केबिन में क्या चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे खाना बनेगा आज, कुछ मछलियाँ यहाँ पे मतलब काट के रखा है भंडारी जी ने, और ये मछलियाँ का आज भाजी होगा दोस्तों, भाजी होगा या फ्राई होगा कुछ पता नहीं, और यहाँ पे चल रहा है देखिए आप लोग मछली का भाजी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ा है आज, तो सुबह हम लोग चावली खाएंगे दोस्तों। और ये देखिए ये कहाँ जाएगा, पीछे ऊपर जाना है, ठीक है जाओ। तो अभी हमारा बोट चल रहा है आगे, आप लोग देख सकते हैं, और दोस्तों सुबह ज़्यादा हवा नहीं चल रहा है, और यहाँ पे जो है ड्राइविंग कर रहा है, और अभी देख सकते हैं हमारा 3 टाइम पूजा होता है बोट, सुबह को और दोपहर को और शाम को। अभी आप लोग देख सकते हैं अगरबत्ती अभी जल रहा है, क्योंकि अभी पूजा की है। और ये देखिए दोस्तों ज़्यादा हवा नहीं है आज, उतना ज़्यादा हवा नहीं है, फिर भी तुषार ज़्यादा गिर रहा है, और ये देखिए हमारा झंडा किस प्रकार लहरा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अभी केबिन में, और ये देखिए घर में बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग थोड़ा मतलब किनारे का नज़दीक है, इसलिए टावर है मोबाइल पे, तो इसीलिए बात कर रही है फ़ोन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लोग जो है मोबाइल पे टावर है, इसलिए मोबाइल देख रहे हैं, सभी लोग ज़्यादातर YouTube देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कोई आदमी नीचे सो रहा है, तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं, और उसके बाद खाना होने के बाद जब हमारा भांडी जी बुलाएगा उस टाइम फिर हम लोग खाना खाएंगे दोस्तों।
दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा मछली का भाजी हो चुका है, यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्त लोग हमारा अभी खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा खाना अभी आ गया है और यहाँ पे सभी लोग बैठा है खाने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों नीचे और नीचे जाकर खाना खाएंगे। दोस्तों गर्मा गर्म चावल के साथ गर्मा गर्म मछली का भाजी बहुत ही स्वादिष्ट खाना है दोस्तों, और हम लोगों को बोट में खाने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा मछली खाने को दोस्तों मिल जाता है। तो अभी हो रहा है दिन का 10 और हम लोग खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए थे करीब 1 घंटा तक, और उसके बाद अभी हम लोग का फाइनली वक्त हो गया अभी नेट उठाने का है बोट में। तो आइए दोस्तों अभी पहले रोप उठाते हैं, उसके बाद वाटर बोर्ड आएगा और उसका पीछे नेट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले रोप समझने पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये देखिए अभी ये जो ड्रम अभी घूमना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है अभी पेंटिंग होगा, और ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो रहा है अभी। ये ड्रम घूमने से अपने आप उसमें जो रोप है चढ़ते रहेगा और रोप को खींचते हुए ये जो ड्रम लाएगा। और दोस्तों अभी अभी जो हमारा जो तुषार था थोड़ा ही कम हो गया, और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मतलब तुषार था, अभी थोड़ा सा कम हो गया दोस्तों। तो चलिए पहले अभी नेट उठाते थे दोस्तों, और मेरे को भी रेडी होना है, तो चलिए अभी रेडी होते हैं दोस्तों, उसके बाद नेट से स्टार्ट करेंगे उठाना। तो अभी देखिए ये लोग अभी पेंटिंग हो चुका है और वाटर बोर्ड हम लोग का फाइनल आ गया, और अभी यहाँ पर हमारा जाल है और जाल में मछली है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेट उठाना। देखिए दोस्तों हमारा अभी स्टाफ लोग नेट को उठा रहे हैं बोट में, और कुछ इस प्रकार से हम लोग नेट को उठाते हैं अपना बोट में दोस्तों, और देखते हैं इस बार हमारा जाल में कितना मछली आते हैं। देखिए जेली फिश आया है, बहुत सारा पक्षी आए हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग का जाल खींचना खत्म हो गया, अभी देखिए बैग उठाया जा रहा है, और बैग में दोस्तों काफी ज्यादा मछली आए हैं इस बार। देखिए दोस्तों अभी हमारा बैग खुला जाएगा, और दोस्तों हमारा इस बार छोटा जाल डाले थे हम लोग, तो छोटा मछली आएगा दोस्तों। उधर है जी, देखिए दोस्तों किस प्रकार खोल रहे बैग को, 1 2 3। देखिए दोस्तों अभी बैग खोल दिया गया, अभी उठाने से जो मछली है नीचे गिर जाएगा। फ्रेंड्स तो देखिए अभी हम लोगों का अभी फिर से जाल डाल दिया गया, और ये देखिए अभी वाटर बोर्ड भी छोड़ा जाएगा, ये देखिए रस्सी को खोल दिया अभी, और ये देखिए अभी वाटर बोर्ड छोड़ दिया गया। और दोस्तों हमारा मछली अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, करीब इस बार 15 ट्रे का आसपास मछली होगा, और इस बार ज़्यादातर झींगा मछली आए हैं दोस्तों। और ये देखिए ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, ये देखिए किस प्रकार हो रही है, और इस प्रकार कीड़ा बहुत ही आए हैं दोस्तों, और ट्रे 1 ट्रे के बराबर केकड़े आए हैं। और दोस्तों लास्ट में आप सबको दिखाता हूँ कितना मछली आता है हमारा, तो दोस्तों तब तक हम लोग अभी मछली चुनेंगे दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रे है, ट्रे का मदद से हम लोग मछली को अलग करने में मतलब आसान रहता है।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोग मछली को चुन रहा है और ये जो वेस्ट चीज़ है हम लोग इसे नदी में दोस्तों वापस फेंक देते हैं इस कीड़ा को। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा सा एक स्टिंगरे मछली आया है, यहाँ पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अभी मर गए हैं दोस्तों, अभी हम लोग का मछली एक घंटे से ज़्यादा हो गया बोट में रखा है लेके। हाँ देखिए दोस्तों, कितना बड़ा स्टिंग रहा है मछली है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का मछली चुनने का काम हो गया और अभी हम लोग का मछली धोने का काम चल रहा है। और इस बार करीब 15 ट्रे के आसपास मछली हुआ है इस बार। और आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ा धूप ज़्यादा हो गया है और आंधी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उतना ज़्यादा तुषार अभी नहीं है दोस्तों, और ज़्यादा अभी गर्मी हो रहा है दोस्तों क्योंकि धूप थोड़ा ज़्यादा निकला है इसलिए। और झींगा मछली आया इस बार हमारा 2 ट्रे, और रिबन मछली 1 ट्रे, और प्राउन फिश आया एक ट्रे दोस्तों। ऐसा करके करीब 15 ट्रे मछली आया है इस बार। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग का जितना भी मछली था यहाँ पे, देखिए आप लोग, मछली वगैरह नहीं है, सभी मछली को स्टोर में आइसिंग करने के लिए अंदर घुसा दिए हैं और सभी मछली अंदर ले लिए हैं, अभी स्टोर में वहाँ पे स्टोरिंग कर दिए हैं। दोस्तों, हम लोग का आज 4th दिन फिशिंग है और हम लोग 4 दिन में ही 150 के आसपास मछली पकड़ लिए हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, तो आज अभी हो गया खाने का वक्त और हम लोगों का जितना भी मछली पकड़ते हैं अभी स्टोर में आइसिंग करने के लिए दोस्तों भेज दिए हैं और फाइनली वो भी हो गया है और अभी खाने का वक्त हो गया दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो में बनाया आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। और आप लोग हमारा वीडियो नया करके देख रहा है और चैनल पर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इसके मदद से आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। और वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक करना, आप अपना दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्दी और एक खास ब्लॉग लेके दोस्तों आप सबसे, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय जगन्नाथ, आप लोग खुश रहिए।